जिले में अतिवृष्टि नुकसान को कोरोना संकट के समान दर्शाते हुए पूर्व मंत्री सुनील केदार ने कहा है कि इस संकट से लड़ने के लिए सबको मिलजुल कर कार्य करना होगा। उन्होंने 90% खरीफ फसल तबाह होने के अनुमान के साथ कहा कि नियमों को अलग रखकर राज्य सरकार ने विशेष संकट के तहत सहायता की तत्काल व्यवस्था करनी चाहिए। इस संकट के लिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता है। भारी बारिश हुई है। महाविकास आघाड़ी सरकार के समय पश्चिम महाराष्ट्र में अतिवृष्टि से नुकसान के समय विशेष सहायता दी गई थी। एडीआरएफ और एनडीआरएफ के तय मानकों से अलग की गई उस विशेष सहायता के समान ही अब भी सहायता की आवश्यकता है। प्रदेश कांग्रेस ने बाढ़ क्षेत्र का जायजा लेने के लिए कमेटी बनाई है। जिले में कमेटी का नेतृत्व केदार कर रहे हैं। रविवार को पत्रकार वार्ता में केदार ने जिले में अतिवृष्टि संकट की जानकारी दी। पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री राजेंद्र मुलक, जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव रविंद्र दरेकर, पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप, सुरेश भोयर, कुंदा राउत सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। केदार ने बताया कि दो दिन तक जिले में दौरे में नुकसान की त्रासदी देखने को मिली है। कुछ क्षेत्र में लोग भूखे रहने की स्थिति में हैं। गांवों की जलापूर्ति योजनाएं प्रभावित हैं। सोयाबीन, कपास, धान, तुअर, गधा, सब्जी की फसल चौपट हो गई है। फसल के साथ ही खेतों को नुकसान हुआ है। सरकार प्रति हेक्टेयर 1,00,000 रुपए नुकसान भरपाई दे। नरखेर, काटोल, कलमेश्वर, सावनेर, पारशिवनी, रामटेक, नागपुर ग्रामीण, कामटी, मऊदा, कूही, भीवापुर, उमरेड, हिंगना में नुकसान क्षेत्र का दौरा किया गया है। मिट्टी के झोपड़े व घर गिर रहे हैं। इन पीड़ितों को घर कुल योजनाओं का विशेष लाभ दिलाने की आवश्यकता है। बार बार बाधित हो रहे जलापूर्ति योजना के कुएं सुरक्षित स्थान पर बनाए जाए। बारिश में बाधित सड़क पुल दुरुस्ती के लिए तत्काल निधि मंजूर की जाए। जिला परिषद शाला आंगनवाड़ी इमारत के नुकसान की भरपाई की जाए। लघु सिंचन तालाब, मामा तालाब, सिंचन बांध, नाला गहराईकरण के कार्य तत्काल किए जाए। खरीफ सत्र में फसल नुकसान ग्रस्त किसानों को दोबारा बुआई और रबी सत्र के लिए बीज खाद मुफ्त दिए जाएं। सितंबर से पहले खेती सुधार कार्य करें। खेतों में कृषि पंप व बिजली खंभों के नुकसान को रोकने उपाय किए जाएं। सड़क सुधार के लिए पीडब्ल्यूडी, नाबार्ड की मदद लें। नुकसान के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट विधानसभा के अधिवेशन में रखी जाएगी। अत्यंत वेदना देणारे चित्र ग्रामीण भागामध्ये आज आहे। इतका पाऊस पडला की शासनाचे जे निकष आहे अतिवृष्टीचे की 65 mm पाऊस 24 तासात पडला की अतिवृष्टी, त्याचा हिशोब लावला तर संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये 12 तारखेपासून तर जवळजवळ ऑन ॲन ॲव्हरेज 18 तारखेपर्यंत एखाद दिवस मागं पुढं कुठल्या तालुक्यात तर सगळीकडं हा पाऊस 65 mm पेक्षा कितीतरी जास्त पडलेला आहे। आणि झोपडपट्ट्यात म्हणजे आम्ही काल त्या पवनी गावामध्ये गेलो। पवनी नावाचं गाव आहे रामटेक तालुक्यामध्ये आदिवासी क्षेत्रामध्ये। मातीचे घरं जागच्या जागी बसून गेले, जागच्या जागी घरं बसून गेले जवळजवळ, कारण पिण्याच्या पाण्याचे स्तोत्र जे आहे ते जवळजवळ वॉटर बॉडीजवळ असतात। एखाद्या ओढ्याजवळ असतात, कुठे विहिरीजवळ असतात, कुठे नाल्याजवळ असतात किंवा का तलावजवळ असतात त्या ठिकाणी। आणि म्हणून याच्यावर आम्ही सूचना दिलेल्या आहे। सगळीकडे जिल्हा परिषदेची यंत्रणा कामाला लागली आहे। ताबडतोब त्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याच्या संबंधीसुद्धाही तातडीने लक्ष देणं गरजेचं आहे। दुसरा विषय महत्त्वाचा आहे की आता खरीप हंगामाची परिस्थिती फार वाईट आहे। म्हणजे खरीप हंगाम किती हाती लागेल आज सांगता येत नाही। अजून पाहणी दौरा व्हावा ह्या दृष्टीने महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने सबंध महाराष्ट्रामध्ये विविध जिल्ह्यांना महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीद्वारा गठित समिती त्या त्या जिल्ह्यामध्ये जाईल आणि अतिवृष्टीचा आढावा घेऊन राज्य शासनाला ह्या अतिवृष्टीमध्ये बाधित झालेल्या शेतकऱ्याला आणि त्या परिसरातल्या नागरिकांना मदत कशी पोहोचता येईल या संदर्भामध्ये प्रदेशला अहवाल देण्यासंदर्भात ही आजची प्रेस कॉन्फरन्स आपल्या सर्वांना इथे घेतलेली। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।